नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग एक विटामिन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे और मैं इस तरह का क्लास आपके लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ। तो आइए जानते हैं विटामिन से रिलेटेड, ये आज पार्ट टू है। इससे पहले मैं विटामिन से रिलेटेड रासायनिक नाम का विटामिन, ये विटामिन बी सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का रासायनिक नाम बायोट्रिक से बता चुका हूँ। रथ एक टॉफी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां जा करके और देख सकते हैं उस लिंक से। आज हम लोग जानेंगे सारे बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। ये एग्जाम में आता है, खास करके ग्रुप डी वाले एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जहां से 25 प्रश्न केवल साइंस से पूछे जाते हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी रखता है, जहां से 8 या 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रासायनिक नाम पूछा ही पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, सारा का सारा रासायनिक नाम मैं पहले दे चुका हूँ। बी कॉम्प्लेक्स की बातें आज मैं कर रहा हूँ। तो देखिए विटामिन बी वन का रासायनिक नाम, ट्रिक्स है, सबसे पहले ट्रिक्स को जानेंगे। थोड़ा पानी पर बसा है, ये याद रखेंगे, थोड़ा पानी पर बसा है, बस आपका क्लियर हो गया B12 तक। अब विटामिन B1 में थो लेना है थायमिन। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसमें आपको रा लेना है। विटामिन B3 यहां देखिए पा, यहां पा लेना है, पेंटाथाइनिक अम्ल। और विटामिन B5, विटामिन B5 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड, दोनों। खास करके एग्जाम में आपका जो पूछेगा वो नियासिन पूछता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर वाले बदमाशी करते हैं और ये नियासिन ना लिख करके और निकोटिनामाइड लिख देते हैं, तो ये नी आपका कॉमन है। और विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है, पायराडॉक्सिन, बहुत ही सिंपल, पर से याद रखना है, पायराडॉक्सिन। विटामिन B7 इसका क्या है, ये भी सिंपल है, बा से बायोटिन। और ये B12, ये सा से साइनोकोबालमिन। और पूछता क्या है, विटामिन B12 से होने वाली बीमारी, तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है विटामिन B12 किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 आप जानते होंगे कि कोबाल्ट में पाया जाता है और ये ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है और NTPC में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। अच्छा, कोबाल्ट की कमी से कौन सी बीमारी होता है, पूछ देगा विटामिन B12 से होने वाली बीमारी, तो ये रक्त कैंसर जैसी बीमारी होता है, रक्त कैंसर जैसी बीमारी। अब बात करते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था, ये पूछ देता है कभी, विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज फंक किया था और विटामिन ए का खोज, विटामिन बी का खोज, दोनों मैकुलम किया था, ये भी नोट कीजिए, विटामिन ये खोज हो गया। अब विटामिन ए का खोज मैकुलम, विटामिन बी का खोज भी पूछे तो ये भी मैकुलम होगा। अब विटामिन सी का खोज पूछे तो विटामिन सी का खोज करता हॉलकर था। और विटामिन डी पूछे तो विटामिन डी का खोज करता कौन है, तो विटामिन डी के खोज करता है हॉपकिंस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, गाजर में, विटामिन बी चावल में, बाजरा में, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों व सब्जियों में, और विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये दोनों पार्ट आपको देखिएगा तो आप कोई भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड आपका मिस नहीं होगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उसे भी इस ट्रिक का ज्ञान पता हो और वे भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।